फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट अलाहाबाद। आज हम चर्चा करेंगे आपसे भाषागत दोष। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में अवश्य आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। देखिए, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ भाषागत दोष होता क्या है। तो भाई, हमारे कंठ, ताल, मूर्धा, ओष्ठ, ये जो हमारे स्वर यंत्र हैं, इन स्वर यंत्रों में जो भी विकार होती हैं, जो भी ध्वनियों में हम मिस्टेक कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, यही इन्हीं को हम भाषागत दोष कहते हैं। इनकी ध्वनियों में जो हम गलत तरीके से उच्चारित कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, कम या अधिक, कम उष्मा या अधिक उष्मा का प्रयोग करना है, ये सब जो फॉल्ट्स कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, ये सब भाषागत दोष के अंतर्गत आते हैं। भाषागत दोष की बात किया जाए तो ये जन्मजात भी होता है और वातावरण से भी प्राप्त होता है। अगर इसकी हम बात करें तो वातावरण से जो भाषागत दोष प्राप्त होते हैं, जो हम जिन्हें हम वातावरण सीख लेते हैं, उनमें हम प्रयासों के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा उनमें संशोधन भी कर सकते हैं। यस, वो सही हो जाता है, वो पूर्ण रूपेण सही हो जाता है, लेकिन जो जन्मजात होते हैं उसका आंशिक रूप कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत बना रहता है। जो भाषागत दोष जन्मजात होते हैं उसका अंश कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत बना रहता है। अच्छा, चलिए हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। वर्ण विपर्य दोष, शब्दगत दोष, स्वर लोप संबंधी दोष, व्यंजन लोप दोष, हम आपसे बात करेंगे स्वरागम संबंधी दोष, स्वर भक्ति संबंधी दोष, प्रयत्न लाघव संबंधी दोष, अनुस्वार संबंधी दोष, अनुनासिक संबंधी दोष, अननुनासिक संबंधी दोष, अल्पप्राण व महाप्राण संबंधी दोष, इन पे हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में चर्चा करेंगे ध्वनि विकृति दोष। ध्वनि विकृति दोष क्या होता है भाई? ध्वनि में विकृति हो जाना, ध्वनि में क्या हो जाना, विकृति। विकृत का मतलब ध्वनियों का आपने अधिक प्रयोग कर दिया, उष्मा का अधिक प्रयोग कर दिया, कम प्रयोग कर दिया, यही यानी ध्वनि में क्या आ गई, विकृति आ गई, ध्वनि में विकार आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि विकृति। यानी जो भी आपने ध्वनियों का प्रयोग करने के दरमियान अधिक या कम ऊर्जा का प्रयोग कर दिया, तो ये उससे जो विकृति आ गई उसी को हम बोलते हैं ध्वनि विकृति दोष। देखिए, इसकी बारीकियों को हम आपको बताएंगे, अब आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड, ये आप ड बोलते हैं, ये आप क्या बोलते हैं, ढ। पहली बात, डगमग, ये देखिए क्या है, डगमग, और ये क्या है, ढक्कन, यानी ये ड है, ये ढ है, देखिए ढक्कन। लेकिन यहां आप देखिए क्या बोल रहे हैं, यहां पे नीचे ये बिंदी जो है नीचे है ड ढ, ये यहां पे आप देखिएगा गौर से, यहां पे कोढ़ी ढी ढी है ना, ये ड है, ये ढ है, ये ढ, ये ड ढ है ना। तो यहां पे आपने क्या बोला, यहां पे ये ड है, ये ढ है, अंतर देखिएगा, मेरे साथ बोलिए भी, ड ढ ढ अड़ रावण, ये रावण है, अड़ अड़। तो देखिए एक बार तीनों को मैं बोल रहा हूं, आप भी बोलिएगा, ढ ढ अड़ ढ ढ अड़। देखिए तीनों, मैं चारों बोल रहा हूं, ड ढ, देखो ढक्कन बोलते हो आप, ढक्कन है ना, ढक्कन। आप बताओ पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई कैसे, पढ़ाई ये आप क्या लिखेंगे, पढ़ाई, ढक्कन वाला नहीं है, यहां पे ढक्कन वाला नहीं है, पढ़ाई, पढ़ा पढ़ाई, चढ़ाई है ना। तो कहने का मतलब यहां पे जो आपका दिया गया है, अब देखिए चढ़ाई और चौड़ाई दोनों का अंतर आप समझिएगा, थोड़ा सा बारीकियां मैं बता रहा हूं, अंतर आप समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए यहां पे डगमग सड़क, देखिए डगमग, इन दोनों का अंतर समझिए, डगमग सड़क, सड़क सड़क सड़क। तो ये जो यहां पे जो बिंदी लग जाती है, ये ड है ना, ये ड है, और ये क्या है, सड़क सड़क सड़क,
तो यहां पे ये ड है, ये घर, हाँ ड र, सड़क सड़क। तो बोलिएगा मेरे साथ, ड र ड र ड र सड़क। तो ये बारीकियां हैं। तो यहां पे जो वही हमने बताया ना कि ध्वनि विकृति, ध्वनियों में जो आपने विकृति कर दिया, यही आपका ध्वनि विकृति दोष होता है। ध्वनियों में कम अधिक जो आपने प्रयोग कर दिया, अब यहां देखिए ध्वनियों के कम अधिक का प्रयोग का मामला है पूरा। इस तरह के जो फॉल्ट होते हैं, ये जैसे कहा जाए ढक्कन ढक्कन, एक बालक ढक्कन को ढक्कन बोलता है, किस प्रकार का दोष है? तो किस प्रकार का दोष है? ध्वनि विकृति दोष है। एक बालक कोड़ी को कोड़ी बोलता है, कोड़ी जैसे ढक्कन है ना, एक बालक कोड़ी को कोड़ बोलता है या कोर बोलता है। तो कहने का मतलब यहां पे आपने क्या कर दिया, ध्वनियों में विकृति कर दिया, ध्वनियों में आपने फॉल्ट कर दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि विकृति दोष कहते हैं। अब यहां देखिए डगमग ढगमग, एक बालक डगमग को ढगमग बोलता है, अब आप बताइए क्या है? तो ये ध्वनि विकृति दोष है, डगमग को ढगमग बोलता है, क्या है? ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी है ना। तो ये ध्वनि विकृति जो दोष होता है, इस दोष में जो शब्दों का हम उच्चारण करते हैं वो कम या अधिक ऐसा कर देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं ध्वनि विकृति दोष। चलिए इनको, इनके एग्जाम्पल और भी अधिक एग्जाम्पल लिया जाएगा, और एग्जाम्पल के माध्यम से कॉन्सेप्ट आपका और भी क्या होगा, क्लियर। लेकिन याद रखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, जैसे चढ़ाई चौड़ाई है ना, चौड़ाई डगमग ड, चौड़ाई ड र ड र ड र, तो चौड़ाई है ना, ये अंतर आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को लेते हैं वन बाय वन, जैसे कहा जाए वर्ण विपर्य दोष। वर्ण विपर्य दोष अगर प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए, एक बालक मेहनत को मेहनत बोलता है, एक बालक मेहनत को मेहनत बोलता है, यह किस प्रकार का दोष है? तो यह दोष किस प्रकार का दोष कहलाएगा, वर्ण विपर्य दोष। विपर्य का मतलब स्थान परिवर्तन। देखिए आपने मेहनत यहां पे क्या कर दिया, ह के जगह न कर दिया, मेहनत। इसी तरह से प्रश्न आ जाए, एक बालक मजहब को महजब बोलता है, यह किस प्रकार का दोष है? तो किस प्रकार का दोष है, वर्ण विपर्य दोष कहलाएगा। ये किस प्रकार का दोष कहलाएगा, वर्ण विपर्य दोष कहलाएगा, ये बात है। अब देखिए शब्दगत दोष क्या होता है या शब्द विपर्य दोष क्या होता है। तो वर्ण में देखिए वर्ण का परिवर्तन कर दिया बालक ने, शब्द में शब्दों का परिवर्तन कर देगा। जैसे देखिए छात्रों ने अध्यापक को पढ़ाया, छात्रों ने अध्यापक को पढ़ाया। अब देखिए यहां पे छात्रों ने पढ़ाया, यानी शब्द गलत शब्द का प्रयोग कर दिया गया, जबकि सही शब्द क्या होना चाहिए, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, सही शब्द ये होना चाहिए। तो आप ये इस प्रकार के दोष को, इस प्रकार की जो गलती है, पूरा शब्द के शब्द गलत जगह प्रयोग कर दिया गया, शब्द का परिवर्तन कर दिया गया। विपर्य माने स्थान परिवर्तन, विपर्य का मतलब स्थान परिवर्तन, तो शब्दों का स्थान जो परिवर्तन कर दिया गया, यही आपका शब्दगत दोष है। चलिए स्वर लोप संबंधी दोष। जैसे अगर प्रश्न आ जाए, एक बालक दादा को ददा बोलता है तथा चाचा को चचा बोलता है, इस प्रकार का दोष कहलाएगा, तो स्वर लोप दोष कहलाएगा। क्योंकि आप देखिए आ की मात्रा का लोप कर दिया गया, देख रहे हैं ना, स्वर का लोप कर दिया गया, चाचा चचा आ, स्वर की मात्रा का क्या कर दिया गया, लोप कर दिया गया, इसी को हम बोलते हैं स्वर लोप संबंधी दोष। व्यंजन लोप दोष की बात किया जाए, जैसे कलम, कलम को एक बालक कम बोलता है और छत्री को छत्री बोलता है। अब यहां पे देखिए किसका लोप हो गया भैया, कलम, यहां पे ल का लोप हो गया और यहां पे य का लोप हो गया, यानी व्यंजन का लोप हो गया, इसी को बोलते हैं व्यंजन लोप दोष। चलिए आगे हम देखते हैं स्वरागम संबंधी दोष। एक बालक
प्रश्न आएगा, ऐसी परीक्षा में प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बालक स्कूल को स्कूल बोलता है, स्नान को अस्नान बोलता है, इस प्रकार का दोष कहलाएगा। तो चार विकल्प रहेगा भैया, क्या आप टिक करके आएंगे? स्वरागम संबंधी दोष, क्योंकि देखिए स्वर का आगम हो गया है ना, गलत आगम हो गया, स्नातक को अस्नातक है ना, इसी तरह से स्मारक को अस्मारक। देखिए स्वर का क्या हो गया, आगम हो गया, गलत तरीके से प्रयोग कर दिया गया स्वर को, इसी को बोलते हैं स्वर आगम संबंधी दोष। चलिए स्वर भक्ति संबंधी दोष, एक बालक गजेंद्र को गजेंद्र बोलता है, महेंद्र को महेंद्र बोलता है, इस प्रकार का दोष कहलाएगा, तो स्वर भक्ति दोष कहलाएगा। देखिए क्या हो रहा है यहां पे, स्वर से भक्ति हो जा रही है, देखिए गजेंद्र से गजेंद्र, मतलब इतनी भक्ति हो जा रही है, इतना प्रेम आ जा रहा है कि शब्दों का विस्तार कर दे रहा है ना, स्वर का विस्तार कर दे रहा है। यहां पे द था, अ भी आ गया, और गजेंद्र, तो मूल यहां पे और महेंद्र, तो जो स्वर है ना उसका जो है उससे भक्ति हो जा रही है, महेंद्र अ, जो अ देखिए अ, तो स्वर से भक्ति हो जा रही है, सुरेंद्र अ, तो कहने का मतलब स्वर भक्ति हो जा रही है, स्वर का जो है विशेष तौर पे बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं स्वर भक्ति दोष। प्रयत्न लाघव संबंधी दोष, यहां पे जल्दबाजी, एक वर्ड यूज कर लीजिएगा, जल्दबाजी में जब आप कोई वर्ड यूज करते हैं, जैसे मास्टर साहब को मा साहब, पंडित जी को पंडित जी, डॉक्टर साहब को डा साहब है, गांव देश में इस तरह से लोग बोल देते हैं, बालक बोल देते हैं जल्दबाजी में, तो ये प्रयत्न इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे, जब जल्दबाजी में इस तरह से बालक बोल देता है, इसे हम बोलते हैं प्रयत्न लाघव संबंधी दोष। क्या बोलते हैं? प्रयत्न लाघव संबंधी दोष, यस। तो सीधे प्रश्न आएगा, एक बालक मास्टर साहब को माँ साहब बोलता है, डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब बोलता है, ऊपरी प्रकार का दोष कहलाएगा, तो क्या दोष का है? प्रयत्न लाघव, वो लांग गया है ना, कुछ शब्दों को कुछ वर्ड को छोड़ते हुए लांग गया, इसलिए प्रयत्न अपने प्रयत्नों में लांग गया, लाघव, इसीलिए प्रयत्न लाघव दोष। देखिए अनुस्वार संबंधी दोष, डंडा डड़ा, अब देखिए अनुस्वार यहां पे प्रयोग हुआ है, अनुस्वार को ही गायब कर दिया गया, बंदर बादर है ना, बदर गंगा गगा, तो यहां पे अनुस्वार को ही गायब कर दिया गया, इसी को बोलेंगे भैया अनुस्वार संबंधी दोष, एकदम सिंपल सा है। अनुनासिक संबंधी दोष, अनुनासिक का मतलब होता है दांत, सॉरी नासिका और मुख दोनों का जो जब आप प्रयोग करेंगे तो अनुनासिक हो जाएगा, और अननुनासिक भी एक होता है, इसमें क्या होगा, नासिका का प्रयोग नहीं करेंगे आप। देखिए समझिएगा, जैसे दांत दांत, भांग भाग, अब देखो भांग क्या बोले आप, भांग भाग, समझ में आ रहा है ना, तो अगर भांग को एक बालक भाग बोलता है, उपरी प्रकार का दोष है, तो क्या दोष है, अनुनासिक संबंधी, अनुनासिक संबंधी दोष कहलाएगा। जैसे हाथ 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 हाथ, एक बालक हाथ को हाथ बोलता है, उपरी प्रकार का दोष कहलाएगा, अनुनासिक संबंधी दोष कहलाएगा। जैसे सांप 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 सांप, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो ये चंद्रबिंदु जो होते हैं, ये प्रकार से मुख और नासिका के सहारे इनको बोला जाता है, और ये अनुनासिक कहलाएंगे, ये अनुनासिक। अननुनासिक की बात किया जाए तो ये यहाँ पे नासिका नहीं होगी, क्या नहीं होगा, नासिका नहीं। जैसे देखिए क्या कहा जाए, करण 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 को एक बालक करण करण को करण बोलता है, दशरथ को दशरथ दशरथ, गांव देश में नाक से बोलते नहीं है लोग, दशरथ। तो ये जो है इस प्रकार का जो दोष है, यानी यहाँ पे नाक का प्रयोग नहीं करना है, नाक का प्रयोग नहीं करना है, फिर भी प्रयोग कर देते हैं, तो ये अननुनासिक संबंधी दोष कहलाएगा। एक बालक दशरथ को दशरथ बोलता है, दशरथ बोलता है, उपरी प्रकार का दोष है,
मतलब परीक्षा में ये नहीं रहेगा, परीक्षा में ऐसे लिखा रहेगा एक बालक दशरथ को ये ऐसे दे देगा, बोलता है उपरी प्रकार का दोष कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? अननुनासिक संबंधी दोष। ऐसे एक बालक पवन को थवन थवन है ना, नासिका से बोलते, गांव देश में लोग बोल देते हैं ना नाक से, कुछ लोग तो इसका बहुत प्रयोग कर लेते हैं, सभी शब्दों में प्रयोग कर लेते हैं, वो गलत है। अब देखिए अल्पप्राण व महाप्राण संबंधी दोष की बात किया जाए, तो पहली बात तो महाप्राण को आप समझ लीजिए, क ख ग घ ङ। अब देखिए कहाँ पे अपने अपनी प्राण आप अधिक लगा रहे हैं, महाप्राण अधिक प्राण कहाँ लगा रहे हैं भैया? तो देखिए अब बोलिए क ख ग घ, यानी ख पे घ पे, दूसरे पे और चौथे पे, क ख तो दूसरा और चौथा, एच ओ बी से याद कर लीजिए, ठीक है, क ख ग घ ङ, तो दूसरा और चौथा वहां पे अधिक प्राण आप लगा रहे हैं, च छ ज झ, तो दूसरे या चौथे पे आप अधिक प्राण लगा रहे हैं, अधिक वायु आप बाहर कर रहे हैं, तो ये दूसरा चौथा जो होता है वो महाप्राण होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए मान लीजिए प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए, एक बालक घर को घर बोलता है, क ख ग घ घ ये चौथा है, अब उसमें चौथे का प्रयोग न करके किसी अन्य का प्रयोग कर ले रहा है, इसका मतलब महाप्राण संबंधी दोष कर रहा है। एक बालक भजन को भजन बोलता है, अब प फ ब भ, भ जो है यहाँ पे भ की बात आप करिए, तो ये एक्चुअल में क्या है, हाँ ये महाप्राण है, और महाप्राण में गलती कर दिया। तो एक बालक भजन को भजन बोलता है, उपरी प्रकार का दोष कहलाएगा, तो महाप्राण संबंधी दोष कहलाएगा। तो याद रखिएगा दो चार, देखिए भ भी किसमें आ रहा है, दो में आ रहा है, प फ ब भ, प फ ब भ, तो दो चार, दो और चार वाले जो कॉम्बिनेशन है, यानी 24 याद रखिएगा, है ना, जहां पे से प्राण और वायु अधिक निकल रही है वो महाप्राण है, ये बात है। अल्पप्राण की बात की जाए तो अल्पप्राण संबंधी दोष जैसे च छ ज, अब तीसरा वाला 135 135 याद कर लीजिए, ये क्या होते हैं अल्पप्राण, जैसे क हो गया क ख ग, ग हो गया अंग, तो ये आपके क, अब ख को छोड़ दीजिए उसमें ज्यादा प्राण निकल वायु निकल रही है वो महाप्राण है, क ख ग क ग और अंगा, ये क्या हो गए अल्पप्राण हो गए, अल्पप्राण हो गए। अब देखिए यहां पे अगर हम आपसे बात करें, जैसे प्रश्न आ जाए एक बालक जामुन को जामुन बोलता है, चोर को छोर बोलता है, तो ऊपरी प्रकार का दोष है, तो ये अल्पप्राण संबंधी दोष कहलाएगा, क्योंकि यहां पे ज का प्रयोग होना चाहिए और बालक कर क्या दे रहा है, हाँ यानी अल्पप्राण में फॉल्ट कर रहा है, अल्पप्राण संबंधी दोष कहलाएगा। चलिए एक कोशिश की गई, एक प्रयास किया गया आपको यहाँ पे भाषागत संबंधी दोष के कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने का, क्लियर करने का प्रयास किया गया। इस तरह से आगे भी प्रॉपर वीडियोस और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।